दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को देर शाम अपने गृह जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के सदन भवन सहित जनपद के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया तथा रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में किया। वहीं गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया तथा फरियादियों की फरियाद को सुना तथा अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। वहीं लगभग 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल स्थित नवनिर्मित वाटर कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया तथा वोट से रामगढ़ताल झील में वोटिंग भी किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनपद के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया तथा उसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पर बने हेलीपैड पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर में बैठकर महाराजगंज के लिए रवाना हो गए। अच्छा लगा।